गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर एनाफिजो क्लास इन आ प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम में हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं एक्जोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं इनका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था और हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सारे नाम पढ़ते हुए उसके बारे में हमने ये कहा था कि इन्हीं जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह उनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे पर उसको हम डिटेल में पढ़ें उससे पहले हमें एक चीज़ और पढ़नी चाहिए है, वो है हार्मोन्स हार्मोन्स क्या होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके क्या करेक्टरस्टिक्स फीचर्स होते हैं उनका केमिकल नेचर्स कैसा होता है हार्मोन की मैकेनिज़्म क्या है मकैनिज़म का मतलब वो हार्मोन फंक्शन कैसे करते हैं ये चीज़ें भी हमारे को जो है वो पढ़नी हैं तो हम इससे पहले कि हम इन जो टाइप्स थे उनको डिटेल में पढ़े उससे पहले हम थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में जान लें तो आगे हमें उनका मेकेनिजम ऑफ एक्शन समझने में ज़्यादा आसानी होगी इसलिए आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। और हॉर्मोन्स क्या होते हैं हॉर्मोन्स आर द सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स आर द सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे सीक्रेटेड डायरेक्टली इन टू द ब्लड एंड देन कैरिड आउट थ्रू आउट द बॉडी वेयर दे इंफ्लुएंस ओनली दोज सेल्स दैट है रिसेप्टर साइट्स फॉर दैट हॉर्मोन्स मतलब हॉर्मोन्स जो हैं वो एंडोक्राइनिक गलैंड के सीक्रेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं और एंडोक्राइनिक ग्लैंड इनको डायरेक्ट ब्लड में सीक्रीट करती है ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी के अंदर सर्क्यूलेट होते हैं कैरी किए जाते हैं और उन सेल्स के ऊपर जाकर के एक्शन करते हैं जिन सेल्स के ऊपर इनकी रिसेप्टर साइट्स पाई जाती है मतलब पर्टिकुलर हार्मोन किसी पर्टिकुलर सेल पर ही एक्ट करेगा ऐसा नहीं है बॉडी की सभी सेल्स पर ये एक्ट करता है बॉडी की सभी सेल्स पर एक्ट नहीं करता बल्कि पर्टिकुलर सेल पर ही ये एक्ट करेगा स्पेसिफिक सेल पर ही एक्ट करेगा मतलब हॉर्मोन्स अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन हर एक हार्मोन का होगा और कौन सी सेल पर एक्शन करेंगे उन सेल्स के ऊपर जिनका इन की रिसेप्टर साइड जिन सेल्स पर पाई जाती है हार्मोन्स के लिए उसके ऊपर ये एक्ट करते हैं ऐसी इन हार्मोन्स की खासियत है अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो प्रोडक्ट है उसे हम हार्मोन कहते हैं तो इन हार्मोन्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं तो हार्मोन्स की करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमें हार्मोन्स का केमिकल नेचर पढ़ना होगा केमिकल नेचर का मतलब है कि केमिकली वो हार्मोन्स जो हैं वो किसके बने हुए हैं तो केमिकली हार्मोन्स में भी क्लासीफाइड एज आइदर प्रोटीन्स और स्टीरोइड्स मतलब हार्मोन्स केमिकली दो तरह के होते हैं प्रोटीन्स हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स हॉर्मोन्स और ह्यूमन बॉडी में सभी हॉर्मोन्स जो हैं सिवाय सेक्स हॉर्मोन्स के एक्सेप्ट द सेक्स हॉर्मोन्स ये सेक्स uh, हार्मोन्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं उसके अलावा सभी हॉर्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं या प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं या आप कहें प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं हमने क्या बोला कि भाई हॉर्मोन्स केमिकली दो तरह के हैं प्रोटीन्स और स्टीरॉयड हॉर्मोन्स अब कहाँ से क्या निकल रहा है तो सिर्फ जो सेक्स हार्मोन्स जो कि कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं सिर्फ वही स्टीरोयड हार्मोन्स होते हैं उसके अलावा बॉडी में जितने भी हार्मोन्स पाए जाते हैं वो सभी प्रोटीन्स होते हैं या प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं तो दो ग्रुप्स में क्लासिफाई हो गए हॉर्मोन्स प्रोटीन हार्मोन्स स्टीरोड्स हारमोन्स स्टीरोयड हारमोन्स एडिनल से रिलीज हुए हैं इसके अलावा जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो प्रोटीन हॉर्मोन्स होते हैं ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स आई थी स्वैट सिबेशियस और मैमरी ग्लैंड्स और वो ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ही आती हैं दूसरा हमने कहा था एंडोक्राइन ग्लैंड इनमें डक्ट्स नहीं होती दे डू नॉट हैव टू कैरी देयर प्रोडक्ट्स टू अ सरफेस इसलिए हम इन्हें डकलेस ग्लैंड भी कहते हैं और हमने कहा कि ग्रीक वर्ड एंडोक्राइन वर्ड जो है वो एक ग्रीक टर्म एंडो और क्राइन से लिया गया है एंडो का मतलब है इन और क्राइन का मतलब है टू सेपरेट और सीक्रेट इसके जो सीक्रेटी प्रोडक्ट्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं और ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही सीक्रेट होते हैं और बॉडी के थ्रू कैरी किए जाते हैं और केवल उन्हीं सेल्स को ये इन्फ्लुएंस करते हैं जहाँ पे रिसेप्टर साइट्स होती है उन हॉर्मोन्स की बाकी किसी जगह पर ये अपना असर नहीं दिखाते मींस दे कैरिड आउट थ्रू द बॉडी वेयर दे इन्फ्लुएंस ओनली दो ज सेल्स दैट है साइट्स फॉर दैट हारमोन्स जहाँ उन हॉर्मोन्स के रिसेप्टर साइट होगी वहाँ पर इन एंडोक्राइनिक ग्लैंड के प्रोडक्ट मतलब कि हॉर्मोन अपना असर दिखाएंगे अब हम बार बार जो है एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि भाई हॉमोन्स अपना असर दिखाएंगे हार्मोन्स अपना वर्क करेंगे तो हॉमोन्स क्या चीज़ हैं ये वो केमिकल सबस्टांस हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सीक्रीट होते हैं या ये ग्लैंड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं तो अपन थोड़ा सा इस हारमोन्स के बारे में पढ़ें कि भाई ये कैसे एक्ट करते हैं कैसे इनका मेकेनिज़म होता है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा एक बार जनरल हम ये देखेंगे कि मेकेनिज़्म ऑफ हॉमोन्स हम देखें उसके बाद हम नेक्स्ट कोई चीज़ पढ़ेंगे अब मेकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स में हमने बोला कि भाई एक तो जो हार्मोन है वो ब्लड के थ्रू कैरी होते हैं और पूरी बॉडी में जा कर के अपना एक्शन दिखाते हैं पर पूरी बॉडी में भी कुछ सेल्स हालांकि ये फ्लो पूरी बॉडी में हो रहे हैं पर जब अपना असर दिखाएंगे तो ये कुछ सेल्स को ही इफेक्ट करेंगे दे इफेक्ट ओनली सर्टेन सेल्स सर्टन सेल्स को कर रहे हैं इफ़ेक्ट इसका मतलब वो स्पेसिफिक सेल्स हैं कौन सी स्पेसिफिक सेल्स वो जो उन हॉर्मोन के लिए अपना रिस्पॉन्स दिखाएंगी द स्पेसिफिक सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू अ गिवन हॉर्मोन हैव रिसेप्टर साइट्स फॉर दैट हॉर्मोन जैसा हमने ऊपर बोला था कि भाई ये सर्टन सेल्स वो सेल्स होती हैं जिन पे रिसेप्टर साइट्स पाई जाती हैं वो रिसेप्टर साइट्स जो कि हॉर्मोन के एक्शन के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन दिखाएंगी तो अगर रिसेप्टर साइट्स उन हॉर्मोन्स के लिए किसी सेल पर पाई जाती है तो हम उन सेल्स को स्पेसिफिक सेल्स कहते हैं नहीं तो नहीं कहते दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ लॉक एंड की मेकेनिज्म आपने पढ़ी है ये लॉक एंड की mechanism, आप, आपकी जो स्कूल में क्लासेस के अंदर ये टॉपिक आता था एंजाइम के अंदर आपने पढ़ा था लॉक एंड की मेकेनिज्म तो उसी मेकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही हमारे हॉर्मोन भी हमारी बॉडी पे एक्शन दिखाते हैं मतलब हॉर्मोन जो है वो एक की की तरह एक्ट कर रहे हैं और लॉक की तरह जो है आपकी सेल्स एक्ट करेंगी और अगर वो की उस लॉक में फिट हो रही है तो ही एक्शन आपको दिखाई देगा आपकी बॉडी पे उसका असर होगा नहीं तो कोई एक्शन नहीं होगा इफ़ द की फिट्स द लॉक देन द डोर विल ओपन अगर फिट हो गई तो वो डोर खुलेगा नहीं तो नहीं खुलेगा लॉक हमने यहाँ पे किसे का है वो सेल जिसके ऊपर रिसेप्टर साइट पाई जाती है तो रिसेप्टर साइट को हम लॉक कह रहे हैं और की जो है हम हार्मोन को कह रहे हैं इफ अ हार्मोन फिट्स द साइट देन देयर विल बी एन इफेक्ट अगर हार्मोन उस रिसेप्टर साइट पे फिट हो जाते हैं तो वो अपना असर दिखाएंगे इफ अ अ रिसेप्टर साइट डू नॉट मैच देन देयर इज नो रिएक्शन all the cells that have receptor sites for a given hormone make up the target tissue for that hormone agar cells भाई अगर किसी एक सेल पे ही रिसेप्टर साइट है तब तो ठीक है वो सेल ही उसके लिए स्पेसिफिक कहलाएगी पर किसी टिश्यू की अगर सभी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर साइट्स पाई जाती हैं उन हार्मोन के लिए तो हम उसे फिर टारगेट सेल नहीं बल्कि टारगेट टिश्यू कहते हैं कि वो हार्मोन उस पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर अपना एक्शन दिखा रहा है और अगर सिर्फ एक सेल ही इन्वॉल्व हो रही है तो हम उसे टारगेट सेल कहेंगे और अगर ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व हैं तो हम उसे टारगेट टिश्यू कहेंगे उस हार्मोन के लिए इन सम केसेज द टारगेट टिश्यू इज लोकलाइज्ड इन अंगल ग्लैंड और ऑर्गन इन अदर केसेज द टारगेट टिश्यू इज डिफ्यूज एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी सो दैट मैनी एरियाज आर एफेक्टेड यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ केसेज में तो टारगेट टिशू किसी लोकल जगह पर ही होते हैं जहाँ पर सिंगल ग्लैंड सिंगल ग्लैंड से जुड़े हुए या किसी ऑर्गन से जुड़े हुए ही कोई टारगेट टिश्यू है यानी वो लोकलाइज है जबकि हो सकता है किसी और केस में टारगेट टिश्यूज़ कई जगहों पर है डिफ्यूज स्टेट के अंदर है सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर हुए तो लोकलाइज्ड हम उस टारगेट टिश्यू को लोकलाइज कहेंगे और अगर वो पूरी बॉडी में अपना अलग अलग जगहों पर एक्शन दिखा रहा है हार्मोन तो उस टारगेट टिश्यू को हम डिफ्यूज़ कहेंगे मतलब वो पूरी बॉडी में स्कैटर्ड है और कई एरियाज के ऊपर उस हार्मोन का असर दिखाई देगा सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे दिखाई नहीं देगा हॉर्मोन्स ब्रिंग अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट्स ऑन टारगेट सेल्स बाय मॉडिफाइंग सेल्यूलर एक्टिविटी और जब ये हार्मोन उस सेल के ऊपर टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू पर जब अपना इफेक्ट दिखाता है तो वो इफ़ेक्ट हमेशा कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कैरेक्टरिस्टिक होने का मतलब है वो इफेक्ट स्पेसिफिक होगा ऐसा नहीं है कि कोई भी हार्मोन कुछ भी अपना असर दिखा दे ऐसा नहीं होता है कुछ पर्टिकुलर इफ़ेक्ट ही दिखाई दे रहा होता है और वो इफ़ेक्ट किस फॉर्म में दिखाई देता है कि जिस सेल के ऊपर जिस टिश्यू के ऊपर वो एक्ट कर रहा है उस सेल या टिश्यू की नॉर्मल एक्टिविटी को वो मॉडिफाई कर देता है मतलब आपको उस हार्मोन की वजह से मॉडिफाइंग सेल्युलर एक्टिविटी दिखाई देगी और वो मॉडिफाइंग सेलूलर एक्टिविटी हमेशा स्पेसिफिक होती है इसलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट कहते हैं उस हार्मोन hormone का हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट्स ऑन टारगेट सेल्स बाय मॉडिफाइंग सेल्यूलर एक्टिविटी तो अभी तक हमने क्या चीज़ देखी हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं मेकेनिज्म ऑफ हार्मोन कि हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं तो हमने बोला कि भाई जो एक्शन ऑफ हार्मोन्स है एक्शन ऑफ हार्मोन्स आर कैरिड आउट बाय द ब्लड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी ट दे एफेक्ट ऑनली सर्टन सेल्स कि हालाँकि वो पूरी बॉडी में जा रहा है हॉर्मोन जिसको एक्शन दिखाना है ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में घूमेगा पर कुछ सर्टन सेल्स के ऊपर ही वो अपना अफेक्ट दिखाएगा और वो जो स्पेसिफिक सेल्स हैं उस हॉर्मोन्स के लिए अपना रिस्पोंड भी दिखाएंगे जब वो हॉर्मोन उन स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा तो स्पेसिफिक सेल्स अपना रिस्पोंड दिखाएंगी किसके थ्रू या कैसे दिखाएंगी जब उनके ऊपर कोई रिसेप्टर साइट होगी उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर साइट है तभी वो स्पेसिफिक सेल्स कहला रही हैं और वो अपना एक्शन अपना रिस्पोंड उस हार्मोन के लिए दिखाएंगी अगर उनके ऊपर स्पेसिफिक साइट है या रिसेप्टर साइट है और ये किसकी तरह करता है एग्जैक्टली exactly जो लॉक एंड की मैकेनिज़्म आपने एंजाइम्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर वो की उस लॉक में फिट हो गई तो डोर खुलता है और हार्मोन उस रिसेप्टर साइट पर फिट हो जाते हैं की लॉक में फिट होने का मतलब है हार्मोन रिसेप्टर साइट पर फिट हो रहे हैं हार्मोन यहाँ पे की है रिसेप्टर साइट यहाँ पे लॉक की तरह एक्ट हो रहा है और जैसे ही वो डोर ओपन हुआ इफेक्ट दिखना शुरू हो गया और अगर वो उस रिसेप्टर साइट से मैच नहीं हो पाता है तो कोई रिएक्शन बॉडी के अंदर नहीं दिखाई देंगी अब अगर कोई हार्मोन सिर्फ एक सेल के ऊपर अपना इफ़ेक्ट दिखा रहा है तो वो टारगेट सेल कहलाएंगी और अगर किसी टिश्यू की सभी सेल्स के ऊपर वो रिसेप्टर साइट पाई जाती हैं उस हार्मोन के लिए उस गिवन हार्मोन के लिए तो हम उसे टारगेट टिश्यू कहते हैं उस हार्मोन का दैट इज़ द टारगेट टिश्यू फॉर दैट हार्मोन अब ये टारगेट टिश्यू भी जो है वो अलग अलग तरह से हो सकते हैं अलग अलग तरह से मतलब लोकलाइज भी हो सकते हैं डिफ्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ केसेस के अंदर टारगेट टिश्यू लोकलाइज होते हैं सिंगल ग्लैंड या ऑर्गन से जुड़े हुए रहते हैं जबकि दूसरे केसेस के अंदर टारगेट टिश्यू जो है वो डिफ्यूज़ होते हैं और पूरी बॉडी में स्कैटर्ड रहते हैं तो उनका असर हमारे बॉडी पे कई एरियाज पे दिखाई देगा और अगर लोकलाइज हैं तो सिर्फ किसी एक जगह पर ही उस हार्मोन का असर दिखाई देगा और जो हार्मोन का इफ़ेक्ट दिखाई देता है वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक होता है अपनी टारगेट सेल के लिए और उस सेल का वो मॉडिफाइंग सेलुलर एक्टिविटी के अंदर आपको वो असर दिखाई देगा मतलब उस सेल की एक्टिविटी को वो मॉडिफाई कर देता है चेंज कर देता है यही हार्मोन का एक्शन होता है कि हार्मोन जब रिलीज़ होएंगे तो टारगेट सेल की एक्टिविटी को वो मॉडिफाई कर देंगे और कैसे मॉडिफाई करेंगे क्या मॉडिफिकेशन होगा वो हमेशा हर एक का स्पेसिफिक होता है करेक्टरिस्टिक होता है तो हर हार्मोन का हम फंक्शन पढ़ते हैं वो फंक्शन उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अब हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं ये प्रोटीन हार्मोन्स जो हैं वो सेल के सरफेस पर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वहाँ पर चलेगा उस हार्मोन के एक्शन के रिजल्ट के फॉर्म में पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलेगा और ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमने कभी सीक्वेंस में चलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो करके वो अपना एक्शन दिखा रहा है क्योंकि वो इतना बड़ा सीक्वेंस है नहीं वो सीक्वेंस चाहे बड़ा है चाहे छोटा है पर वो जो इफेक्ट है वो आपको काफ़ी स्पीड में दिखाई देगा मतलब वो रैपिड एक्शन अपना दिखाता है तो हमने क्या बोला प्रोटीन हॉर्मोन्स रिएक्ट विद रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट रिजल्ट इन हॉर्मोन एक्शन इज रिलेटिवली रैपिड जो हॉर्मोन एक्शन का रिजल्ट है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के फॉर्म में दिखाई देता है पर वो काफ़ी रैपिड होता है काफ़ी तेज़ी से उसका असर दिखाई देगा ऐसा प्रोटीन हॉर्मोन्स की खासियत होती है दूसरे जो है, वो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हैं ये स्टीरॉयड्स के नाम भी आपने सुने हैं इनको आ, लोग बाहर से भी लेते हैं पिल्स के फॉर्म में लिया जा सकता है अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी अराइज हो जाए तो अदरवाइज नहीं तो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स जो हैं वो टिपिकली रिसेप्टर साइट पे एक्ट या रिएक्ट करते हैं पर सेल के अंदर करते हैं प्रोटीन हॉर्मोन्स में हमने बोला कि सेल की सरफेस पर रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं उनके ऊपर प्रोटीन हॉर्मोन्स का रिएक्शन होता है जबकि स्टीरॉइड हॉर्मोन्स जो है वो सेल के अंदर रिएक्ट करते हैं और ये जो मेकेनिज़म ऑफ एक्शन होता है इन से प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा और ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स रिलेटिवली स्लो इन एक्शन होते हैं तो हमने अभी देखा कि हॉर्मोन्स जो हैं वो दो तरह के हैं एक तो प्रोटीन हार्मोन्स एक स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोटीन हारमोन्स सेल की सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं जबकि जो स्टीरोड हारमोन्स हैं वो सेल के अंदर जो रिसेप्टर साइट्स पाई जाती हैं उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं प्रोटीन हॉर्मोन्स का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है एक्शन करने के बाद उसका रिजल्ट आपको काफ़ी रैपिडली दिखाई देता है वो अपना एक्शन तुरंत दिखा देते हैं जबकि स्टीरोयड हॉर्मोन्स का जो मेथड ऑफ एक्शन है उसमें प्रोटीन बनता है जब स्टीरोड हॉर्मोन्स आपके सेल के अंदर कि रिसेप्टर साइट पर एक्ट या रिएक्ट करेंगे तो सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और प्रोटीन सिंथेसिस आप जानते हैं ये कोई स्लो प्रोसेस नहीं है इसमें सॉरी uh, ये कोई रैपिड प्रोसेस नहीं है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ये रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है थोड़ा समय लेते हुए प्रोटीन बनेगा क्योंकि प्रोटीन बनना एक बहुत बड़ा एक्शन है आप जानते हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंस वाइज सीरियल वाइज आते जाएंगे जुड़ते जाएंगे ये पूरा एक मेकेनिज्म uh, इसका लंबा चलता है तो इसमें टाइम लगता है इसलिए स्टीरॉयड हॉर्मोन्स जो हैं वो स्लो इन एक्शन होते हैं वाइल प्रोटीन हॉर्मोन्स आर फास्ट इन फंक्शन